पाकिस्तान के अंदर आपको एस यू वीज वाले सेगमेंट के अंदर इंपोर्टेड गाड़ियों में टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडोज़ ये चीज़ें तो बहुत सारी मिल जाएंगी उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आपको काफ़ी सारी क्रॉस ओवर भी मिल जाएंगी जो कि ब्रांड न्यू आ रही हैं जिसमें आपके पास की आसपोटेज है हिन्डाइजोसोन है और उसके अलावा चाइनीज़ ब्रांड की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है बट आज की वीडियो में जो एस यू वी में आपके लिए लेकर आया हूँ वो है जर्मन ब्रांड की और ये है बी एम डब्ल्यू एक्स फाइव ये एक्स फाइव का जो वेरियंट है फोर पॉइंट एट लीटर V8 इंजन के साथ है जो कि रफली साढ़े तीन सौ के, के करीब हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है और जैसा कि आपको पता है कि जर्मन गाड़ियों के अंदर बहुत सारी ऐसी कूल चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ यूज़र अट्रैक्ट होते हैं और इस गाड़ी के अंदर भी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावल इस्लामाबाद में दो ब्रांचेज हैं एक तो रावलपिंडी सदर में है मरी रोड पर और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर डी एच एफ टू गेट वन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से तो जहां पर भी आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की गाड़ियों की एसेसरीज़ परचेज़ करनी है मोडिफिकेशन करानी है पी कराना है या कोई भी किसी किस्म की गाड़ियों की पेंट जॉब करानी है आपने तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आपको ये तमाम तर सर्विसेज बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से ऑफ़र की जाती हैं चले वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और आपको एक और बड़ी ही कूल चीज दिखाता हूँ और वो है इस गाड़ी का साउंड सो so, अगर आप इस गाड़ी की चाबी देखेंगे तो आपके पास दो कीज आती हैं। एक तो इसकी बी की स्टैंडर्ड की है जिससे गाड़ी अनलॉक होगी लॉक होगी और ऑब्वियसली इस चाबी को गाड़ी के अंदर इंसर्ट करके पुश बटन को प्रेस करते हुए आप गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और छोटी सी की है जिसकी मदद से आप इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट जो है उसको चेंज कर सकते हैं आप इसको लाउड पर रख सकते हैं या आप इसको बिल्कुल नॉर्मल जैसा साउंड होता है गाड़ी का बिल्कुल साइलेंट uh, तरीके से इसको चला सकते हैं लाउड पर रखने से क्या होता है कि ये गाड़ी बिल्कुल उस तरीके से आ, आपको आ, इसका साउंड नोट बिल्कुल उस तरीके से हो जाता है जैसा एक स्ट्रेट पाइप के साथ V8 इंजन का होता है जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको सुनाऊंगा भी तो आइए पहले इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से और आ, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है इस गाड़ी के अंदर आपको सक्शन डोर्स का ऑप्शन भी मिलता है तो दरवाजे को ज़ोर से बंद करने की जरूरत नहीं है सिंपल आप इसको क्लोजिंग पोजीशन पर लेकर आइए तो दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा ये बड़े मज़े का फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है बाकी इसमें इलेक्ट्रिकल टेल गेट वगैरह है इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और क्योंकि ये वी है तो ये गाड़ी ह्यूज किस्म की पावर प्रोड्यूस करती है जो कि रफली फोर प्लस इसका टॉर्क है और uh, 350 फिफ्टी हॉर्स पावर्स ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है जो कि इस गाड़ी को भगाने के लिए काफ़ी है अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको मैं और भी बताता चलूँ अब यह है है तो बेसिकली एक एस यू वी मिड साइज एस यू वी आप इसको कह सकते हैं लेकिन ये प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है ये बेसिकली डिज़ाइन की गई है ऑन रोड परपज़ के लिए यानी कि आप इसको रोड्स के ऊपर चला सकते हैं ऑफ रोडिंग आप इससे नहीं कर सकते और uh, ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में इतनी अच्छी है भी नहीं लेकिन जो ये गाड़ी आपको सबसे बेस्ट तरीके से ऑफ़र करती है जो चीज़ वो ये है कि आपको एक लग्जोरियस किस्म का हाई राइडिंग पॉस्चर मिलता है इस गाड़ी से और आपको एक एस वाली फील आती है प्लस बी के ब्रांड के साथ ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इसके साथ साथ इसमें क्योंकि फोर पॉइंट एट लीटर का पावरफुल इंजन है तो आप इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से इन्जॉय करेंगे और इसके साथ साथ ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव भी है सो so, चलें इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं डिटेल में बात सो इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही शानदार है और लेदर इंटीरियर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है जो कि तमाम गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है सो so, हम इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और साथ ही इसकी हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और हेज लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं और एक्सटीरियर के बारे में अगर डिटेल में बात कर ली जाए तो इस गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि नॉर्मली बी की तमाम दर गाड़ियों का होता है बड़ी ही एक अग्रेसिव किस्म की आपको लुक्स मिलती हैं फ्रंट साइड से ये ग्रिल इसकी आफ्टर मार्केट ब्लैक आउट की हुई है नॉर्मली ये ब्लैक में नहीं आती इसके साथ साथ लाइट्स अगर आप देखेंगे तो आपको ड्यूल प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाएंगी बी के सिग्नेचर्ड रिंग्स के साथ और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है उसके अलावा आपको फ्रंट पर बैम की सिग्नेचर्ड ड्यूल किडनी ग्रिल मिल जाती है जो कि फ्रंट साइड से इस गाड़ी को एक बीएमडब्ल्यू की फैमिली की सिग्नेचर कार बनाती है और दिखने से आपको पता चल जाता है कि ये किस ब्रांड की गाड़ी है यहाँ ऊपर आपके पास बी की ब्रांडिंग मौजूद है फ्रंट बं इसका बड़ा ही मैसिव साइज का और उसके ऊपर आपको फोक लैंप्स डी आर एल्स एल ई लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं और कम्प्लीटली ब्लैक में होने की वजह से इस गाड़ी की लुक फ्रंट साइड से बड़ी ही मिस्टीरियस आपको नजर आएगी इसके साथ साथ अगर आप इसका ये हुड देखेंगे तो इसके ऊपर आपको काफी विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नजर आएंगी दरियान से ये उठा हुआ है साइड पर आपको एक स्लोप नजर आएगा और इसी तरह यहाँ पर भी आपको कैरेक्टर लाइंस इसके फेंडर के ऊपर नजर आएंगी तो फ्रंट साइड से इस गाड़ी की लुक्स बड़ी ही अग्रेसिव किस्म की और काफी एरोडाइनैमिक है ये उसके अलावा अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखें तो नॉर्मली जितनी भी एसयूवीज होती हैं वो फ्रंट से उनका जो बोनेट है काफ़ी ऊंचा होता है लेकिन इसका बेसिकली इसका अगर आप फ्रंट से बोनेट देखें और उसकी हाइट अगर देखें तो ये आपको मिक्सचर लगेगी एस का और किसी भी सैदान का तो दोनों गाड़ियों का मिक्सचर आपको ये चीज़ नज़र आती है और फ्रंट से इसका बॉनेट जो है इसकी हाइट भी काफ़ी कम है क्योंकि नॉर्मली किसी भी इस साइज़ की एस का अगर आप बोनेट ओपन करते हैं तो वो काफ़ी हाइटेड होता है और उसका हुड काफ़ी ऊंचा ओपन होता है लेकिन इस गाड़ी के अंदर इस तरह का कोई भी सीन नहीं है नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं या जो मसल uh, कार्स होती हैं उनके अंदर आपको स्टैगर्ड ड्रेम्स मिलते हैं लेकिन एस के अंदर ये चीज बहुत कम आती है बट इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा ही सीन है इसमें आपको फ्रंट वाला जो टायर है वो 275 की विथ के साथ मिलता है जबकि जो रियर वाला टायर है वो 315 की विथ के साथ मिलता है दोनों ही साइड पर रिम्स आपको 20 इंचज के मिलते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि एस के अंदर आपको स्टैगर्ड रिम्स बिल्कुल भी नहीं मिलते या नॉर्मली ना होने के बराबर ये चीज आती है बट ये वाली गाड़ी आपको ये फीचर स्टैंडर्ड uh, फैक्ट्री से ही स्टॉक ऑफर करती है जो कि बहुत ही कूल cool चीज़ है क्योंकि ये आप नॉर्मली किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं देखेंगे इसके साथ साथ रिम्स इंतहाई मैसिव किस्म के बीस इंच के रिम्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और साथ ही साथ अगर आप साइड लुक गाड़ी की देखते चलें तो आपको कम्प्लीट ब्लैक नज़र आएगी यहाँ पर आपके पास विंडोज़ के इर्द गिर्द क्रोम की ट्रेमिंग है साइड मिरर्स की बात कर ली जाए तो ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं रिट्रैक्टेबल हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और सबसे कूल cool चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी आपको सक्शन डोर्स ऑफर करती है तो आप दरवाजे के करीब लाएंगे इसको लॉक पोजीशन के तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली आपके लिए लॉक हो जाएगा ऊपर आपके पास रूफ रेल्स आ जाती हैं जो कि बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है अगर आप इस तरफ देखें आपको यहाँ पर 4.8 पॉइंट आई की ब्रांडिंग मिल जाएगी यानी कि 4800 सौ V8 इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है उसके अलावा मैसिव किस्म की विंडोज आपको मिलेंगी और बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें क्वार्टर पैनल्स वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा उसके अलावा फुट स्टेप्स वगैरह इस गाड़ी के अंदर आप प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे अच्छा रियर साइड की अगर बात करते चलें गाड़ी की राइट साइड पर आपको यहाँ पर फ्यूलिड ओपनर मिल जाता है और अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड से ये आपको एक प्रॉपर एसयूवी की लुक्स प्रोवाइड करती है अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको क्रॉसओवर और एसयूवी uh, का कॉम्बिनेशन सा नजर आएगा सिडान का और क्रॉसओवर का लेकिन बैक साइड से अगर आप इसकी लुक्स देखें तो ये काफी हाइटेड है और आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली लुक् से गाड़ी प्रोवाइड करती है इसके साथ साथ फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे मेन फीचर है आपके पास ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप आपको इसमें दिया जाता है जो कि ऑब्वियसली प्रॉपरली वर्किंग है उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास पॉयल है इत्याई मसिब किस्म का जिसके नीचे आपको हाई माउंटेड लाइट मिल जाएगी टेल गेट इसका इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज होता है तो वो फीचर आप यूज कर सकते हैं वाइपर मौजूद है और आपके पास ड्यूल स्पॉइलर सेटअप मौजूद है उसके अलावा अगर रियर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपके पास साइड स्वैप लाइट्स आपको दी जाती हैं जो कि मैसिव किस्म की हैं और ये बेसिकली हेलोजन और एलई का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है बैक पर और फ्रंट पर इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे यहाँ पर आपको कैमरास वगैरह मिल जाएंगे और बी की ब्रांडिंग भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ आपको इसके बम्पर के ऊपर रियर रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है और इसके साथ साथ ये जो विंड स्क्रीन है इसके अंदर आपको डीफ ऑगर मिल जाएगा यहाँ पर आपके पास वाइपर और वॉशर इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको दी जाती हैं यहाँ पर हमारे पास एक्स की ब्रांडिंग है जो कि क्रॉम फिनिश के अंदर आपको दी गई है अच्छा नॉर्मली जब आप किसी भी एसयूवी के अंदर एंटर होते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एसयूवीज के अंदर यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है उसकी वजह ये होती है कि एसयूवीज आमतौर पर काफ़ी हाइटेड होती हैं और उनके अंदर एंटर होना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है एस की नस्बत थोड़ी सी कम है और इसका जो ये फ़्लोर है कैबिन का ये भी थोड़ा सा नीचे है तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इस गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं आप बिल्कुल इसको ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी सेडान से थोड़ी सी ज्यादा इसकी जो हाइट है वो है तो आप काफी आसानी से इस गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं सो so, जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको वही टिपिकल बी के इंटीरियर वाली फील आएगी जो कि काफ़ी खूबसूरत है स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का थोड़ा सा बल्कि भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है अगर आप इसका साइज देखेंगे तो नॉर्मली ये थोड़ा सा आपको हैवी और बल्कि फील होता है और एक और चीज के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग व्हील तो मिलता है लेकिन उसके बावजूद भी इस गाड़ी की स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील को टर्न करना काफी मुश्किल है ये काफी हैवी है और काफी आपको सॉलिड फील होता है और आपको लगता है कि आप कोई टैंक चला रहे हैं जिसका आप जिसको टर्न करने की आप कोशिश करते हैं तो ये एक चीज इस गाड़ी के अंदर है बाकी ये थ्री स्पोक है इसके ऊपर आपको एयरबैग मिल जाएगा इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास मट्टी मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं वॉइस कमांड के साथ आप वॉल्यूम ऊपर या नीचे कर सकते हैं आप फोन वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपके पास कस्टम बटनज हैं जिसमें आपके पास नेविगेशन की आ जाती है और इसके साथ साथ आपके पास फेवरेट एप्स के लिए कीज़ आ जाती हैं तो यहाँ से आप इसका जो मल्टीमीडिया सिस्टम है इसमें से डिफरेंट चीज़ों के अंदर आप यहाँ से नेविगेशन कीज़ को यूज़ करते हुए आप स्क्रॉल कर सकते हैं उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसकी एडजस्टमेंट आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं आप इसको टिल्ट भी और टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ आ, इसकी फील काफ़ी मज़ेदार है ये सॉलिड है लेदर स्ट्रिच है और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है जैसे कि आमतौर पर जर्मन कार्स के अंदर होती है डैशबोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के ये जो ऊपर वाला मटेरियल है ये सॉफ़्ट प्लास्टिक टाइप है लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और आपको कहीं भी इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर के अंदर चीप मटेरियल वाली फ़ील बिल्कुल भी नहीं आती यहाँ पर आपके पास एक फ्लोटिंग डिस्प्ले है जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप बड़े ही कम्फर्टेबल तरीके से इस गाड़ी को चला सकते हैं और आप बिल्कुल भी इस डिस्प्ले की वजह से तंग नहीं होंगे उसके अलावा नीचे आपके पास दो एयर वेंट्स आ जाते हैं इनके दरम्यान में आपके पास हैज़ लाइट स्विच है नॉर्मली जिसके अंदर लाइट तो ग्लो करती है लेकिन बिल्कुल हल्की सी लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो फिर ये लाइट काफ़ी तेज़ होती है और ब्लिंक करना शुरू कर देती है नीचे आपके पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है और यहाँ पर आप इसकी की को इंसर्ट करेंगे तो इसका ये इलेक्ट्रिकल ऑन हो जाएंगे और गाड़ी प्रॉपर तरीके से काम करेगी सो so, अगर मैं इसकी की को इंसर्ट करता हूँ तो इस तरीके से इसके इलेक्ट्रिकल्स जो हैं ये ऑन हो जाएंगे अच्छा इसके साथ साथ जैसे ही आप गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स ऑन करेंगे तो उसका स्टीयरिंग व्हील जिस भी एडजस्टमेंट पर आपने रखा होगा वो उस पर आ जाएगा मेमोरी के साथ आता है रहेंगे तो आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिलता है आप यहाँ से ऑटो पर रख सकते हैं उसके अलावा आप डी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं फैन की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही आप इसका एसी ऑन या ऑफ कर सकते हैं तो ये सारी यहां पर आपको मिल जाती हैं नीचे अगर आप आ जाएंगे तो इसके अंदर आपको मिलते हैं बटन डीवीडी चेंज करने के लिए या आपके फेवरेट सॉन्ग्स को या आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके ये बटन वैसे तो प्रेस करने वाले हार्ड प्रेस करने वाले बटन हैं लेकिन इनके अंदर सॉफ्ट टच ऑपरेशन भी आपको दिया गया है जैसा कि अभी आपको ऑडियो वगैरह के अंदर आ, मिलता है सो so बेसिकली जिस भी बटन के ऊपर आप उंगली टच करेंगे स्क्रीन पर आपको ये उसकी सिलेक्शन बता देगा कि आपने किस बटन के ऊपर उंगली टच की हुई है और फिर अगर आपने उसको प्रेस करना है तो आप हार्ड प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी तो जिस भी बटन पर आप अपनी उंगली इस तरीके से आ, टच करेंगे वहां पर सिलेक्शन में आपको वो बताता जाएगा ये एक बड़ी ही कूल चीज इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है इसके साथ साथ नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास इसमें डाउनहिल असिस्ट है उसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के लिए आपको बटन मिलता है और रियर रेयरबूट क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकली ओपन होता है तो उसके लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं उसके नीचे ये जो पूरा मिड वाला इसका कंपार्टमेंट है आ, पहली चीज़ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार है ये सॉलिड है और आ, यहाँ पर मटीरियल्स काफ़ी अच्छे यूज़ हुए हुए हैं दो कप होल्डर्स आपको आगे मिल जाते हैं आगे एक कंपार्टमेंट है इस तरफ एक आपको पावर आउटलेट मिल जाएगा और इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं फिलहाल ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा बट आप इसको इजीली क्लोज कर सकते हैं आ, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास दो कप होल्डर्स आ जाते हैं यहाँ एक और स्टोरेज कम्पार्टमेंट आपके पास है तो जिसमें आप अपना कोई भी कार्ड या कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ कीज वगैरह यहाँ रख सकते हैं उसके अलावा पीछे आपके पास एक रोटरी नॉब टाइप की चीज़ दी गई है और मेन्यू का बटन है जो कि बेसिकली आपका ये जो इंटरटेनमेंट का मेन डिस्प्ले है उसकी सारी सेटिंग्स uh, को कंट्रोल करता है तो जब आप मेन्यू प्रेस करेंगे तो इसका मेन मेन्यू आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपके पास कम्युनिकेशंस हैं ओ है, है उस तरफ आपके पास क्लाइमेट है तो क्लाइमेट को अगर मैं एडजस्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये यह स्क्रीन के ऊपर आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स जो है वो शो कर देगा कि आपने uh, किस चीज़ की सेटिंग्स क्या रखी हुई हैं तो वो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और इसके साथ साथ अगर आप इंटरटेनमेंट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें शो करेगा और मेन जो इसका इंटरफेस है ये बड़ा ही इजी है काफ़ी इसको यूज़ करना आसान है तो आप बड़ी इजीली इसको स्नोप की मदद से यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है और इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं ये इटेप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है सो तो आपके पास यहाँ पर ड्राइव है न्यूट्रल रिवर्स है और पार्क का ऑप्शन है सो तो ये इसकी इस तरफ रिलीज़ का आपको बटन मिलता है गाड़ी स्टार्ट होगी तो यहाँ से रिलीज़ बटन को प्रेस करते हुए आप इसकी ड्राइव सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं उसके अलावा आपके पास मैनुअल भी है तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं तो आप प्लस या माइनस की मदद से इसको मैनुअली uh, भी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास पैडल शिफ्टर्स नहीं है मतलब इस इंजन के साथ गाड़ी के अंदर अगर पैडल शिफ्टर्स हों तो फिर उसको चलाने का जो uh, मज़ा है वो दुगना हो जाता है लेकिन इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक है पीछे आपको ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड की फ़ील काफ़ी मज़ेदार है दरमियान में आपको वडन पैनल्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ इस गाड़ी का ग्लव कंपार्टमेंट भी बड़े मज़ेदार है नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहाँ से पूरा का पूरा ग्लव बॉक्स ओपन होता है लेकिन इस गाड़ी के ऊपर आपको एक ड्यूल कंपार्टमेंट मिलता है जो कि इलेक्ट्रो बटन की मदद से ओपन होता है तो अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये कंपार्टमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा और इस कंपार्टमेंट के अंदर आपको एक हिडन डीवीडी चेंजर मिलता है तो उसके अंदर आप डिफरेंट डिस्क डाल सकते हैं और वहाँ से ही वो उसकी शिफ्टिंग जो है डिस्क के अंदर करता रहेगा और उसके अंदर आपको लाइट भी दी गई है तो अगर आपने इसके अंदर सीडीज इंसर्ट करनी है तो लाइट की मदद से आप ये काफी आसानी से कर सकते हैं और बाकी यहां पर हमारे ये, इसकी यूजर तो ये गाड़ी आपको एक मसब कि पेनोरामिक सन रूफ भी ऑफर करती है और यहाँ पर दिए गए बटन की मदद से आप इसको ओपन या क्लोज करेंगे ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है तो अगर आपने इसको ओपन करना है तो आप एक बार बटन प्रेस कर लीजिए इसका कर्टन पूरा का पूरा स्लाइड करके पीछे चला जाएगा और ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कोई भी इसमें किसी किस्म का फ्लॉ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और सन रूफ को ओपन करने के लिए आप अगेन इसको प्रेस करेंगे तो ये सन रूफ भी वन टच ऑपरेशन के साथ आता है और ये बड़े ही आराम से स्लाइड करके पीछे हो जाएगा और क्योंकि वाला व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा रूफ इसका फैब्रिक का ही है लेकिन ये काफी अच्छी क्वालिटी का है जैसा कि करोला या सेविक वगैरह के अंदर फैब्रिक होता है ये वो चीज नहीं है काफी जबरदस्त मटीरियल इसका यहाँ पर आपको नजर आता है ऊपर आपके पास लाइट मौजूद है वनिटी मिररर मौजूद है सनशेड इसमें सिंगल आता है तो अगर आपने इसको साइड पर मूव किया तो आपके पास दूसरा सनशेड यहाँ पर मौजूद नहीं है जैसा कि लक्सेस वगैरह के अंदर आपको मिलता है तो इसमें वो चीज आपको नहीं मिलती इसके साथ साथ ये मिरर ऑटो मिरिंग के साथ आता है बेजललेस तो नहीं है बट ये ऑटो डेमिंग के साथ आपको दिया जाता है और यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट्स के लिए डिफरेंट बटन मिलते हैं एक आपको मेन लैम्प यहाँ पर मिलता है और दो आपको साइड पर लैम्प मिल जाएंगे जिनको आप इन मदद इन बटन की मदद से ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसी तरह पैसेंजर साइड पर भी आपको मिरर और लाइट दी गई है सेफ्टी की बात अगर करते चलें तो ये गाड़ी आपको स्टेरिंग व्हील पर डैशबोर्ड पर पिलर्स के ऊपर डिफरेंट जगहों पर मल्टीपल एयर बैग्स ऑफर करती है इसके साथ साथ गाड़ी की अगर सीट्स की मैं बात करता चलू सो so, इसकी ड्राइवर सीट है ये ट्वेल्व है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अंडर था स्पोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे कर सकते हैं बैक रेस्ट को अलग से एडजस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसकी जो हैड रेस्ट है उसको भी आप इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हैं और ये लेदर की सीट्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर है लेकिन ये परफ्रेटेड नहीं है और ये चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती सो so, परफ्रेशन uh, वाला फीचर आप इस गाड़ी के अंदर मिस करेंगे लेकिन उसके अलावा ये सीट्स काफ़ी मज़ेदार हैं काफ़ी कंफर्टेबल है इनकी ग्रिप काफ़ी मजेदार है और जो आपका सिटिंग पॉस्चर है ये भी काफ़ी मजेदार किस्म का आपको एक हाई राइडिंग पॉस्चर मिलता है तो आप इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से इंजॉय करेंगे उसके अलावा अगर मैं इसके डोर की बात करता चलूँ तो यहाँ पर आपके पास विंडोज़ के बटन हैं आप विंडोज़ को ऊपर और नीचे कर सकते हैं और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और इसमें आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं तो एक बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये मिरर्स इस तरीके से फोल्ड या अनफोल्ड हो जाएंगे और स्पीकर्स आपको यहाँ पर दरवाजों के ऊपर मिलते हैं और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको शनाइजर का टेन स्पीकर्स का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है जिसके अंदर आपको दो सब मिलते हैं और बाकी स्पीकर इसकी गाड़ी की डिफरेंट जगहों के अंदर आपको दिए जाते हैं जो कि आपके म्यूज़िक uh, लिसनिंग के एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बना देते हैं सो so, ये था इस गाड़ी का कंप्लीटली फ्रंट इंटीरियर आइए रियर साइड पर चलते हैं अच्छा जनाब जिस तरह से गाड़ी की फ्रंट साइड पर एंटर होना काफ़ी इजी है इसी तरह से इस गाड़ी की रियर साइड पर भी एंटर uh, होना और एग्जिट करना बहुत आसान है बैक साइड पर आपके पास प्लेंटी ऑफ लैग स्पेस मौजूद है यानी कि आप सुकून से अगर आप ठीक ठाक हाइटेड बंदे भी हैं छः फुट से ज़्यादा भी आपकी हाइट है फिर भी आप इस गाड़ी की रियर साइड पर सुकून से बैठ सकते हैं और इसके अलावा बैक साइड पर आपको काफी सारी अम्यूनिटीज ऑफर की जाती हैं जैसा कि रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है उसके साथ साथ बैक पर भी आपको इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है बैक साइड पर आपके पास यहाँ पर एयर वेंट्स मौजूद हैं उसके अलावा यहाँ पिलर्स के अंदर एयर वेंट्स मौजूद हैं तो दोनों पैसेंजर्स के लिए दो दो एयर वेंट्स आपको दिए जाते हैं उसके अलावा बैक पर हमारे पास एयर बैग का ऑप्शन आपको दिया जाता है इसकी सीट का ये जो डिज़ाइन है ये इस तरीके से बनाया गया है कि आपके पास नी रूम में मजीद इजाफा होता है और आप मजीद कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी की राइड को इन्जॉय कर सकें उसके अलावा बैक साइड पर नीचे आपके पास इंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है बैक साइड पर इसमें अलग से डीवीडी इंसर्ट होती है और मेरे ख्याल से ये बैक साइड पर आपके पास वीडियो डीवीडी का ऑप्शन दिया जाता है फ्रंट साइड पर आपके पास ऑडियो है बैक साइड पर आपके पास वीडियो है तो यहाँ पर जो भी आप डी वी इंसर्ट करेंगे उसकी पिक्चर आपको इस स्क्रीन के ऊपर आएगी तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर किसी भी किस्म की मूवी देखना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं या कोई भी अपनी मर्जी का टी शो देखना चाहते हैं जिसकी आपके पास डीवीडी मौजूद है तो आप वो यहाँ पर डालते हुए इस एल सी के ऊपर वो चीज़ इन्जॉय कर सकते हैं और उसके अलावा आपके पास दो वॉलीम कंट्रोल नॉब्स हैं और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो बंदों के लिए हेडफ़ोन्स की थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव एम एम की एम mm एम के जैक्स दिए गए हैं जिसमें आप दो पैसेंजर्स बैक साइड पर अपने अपने हेडफ़ोन्स कनेक्ट कर सकते हैं और अपने वॉल्यूम्स को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं उसके साथ साथ दो सिगरेट लाइटर के लिए आपको पावर आउटलेट्स दिए गए हैं आप चाहें तो सिगरेट लाइटर्स कोनेक्ट कर लीजिए या आप इसके साथ कुछ भी चार्जर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर एम्बियंस लाइट भी मिलती है तो अगर आप नीचे फुटवेल के अंदर देखेंगे तो बैक साइड पर भी इस तरह फ्रंट साइड पर भी आपको प्रॉपर इसमें एम्बियंस लाइट नज़र आएगी जो कि गाड़ी के ओवरऑल इस गाड़ी के फील को एम्बियंस को काफ़ी खूबसूरत बनाती है उसके अलावा हेड स्पेस इस गाड़ी के अंदर मज़ेदार किस्म की है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको पैनारामिक सन रूफ ऑफर होता है तो यह गाड़ी आपको बैक साइड से काफी स्पेशियस फील होती है क्योंकि गाड़ी के अंदर लाइट काफ़ी अच्छी दाखिल होती है इसके साथ साथ इसके इंटीरियर का कलर बड़े मज़े का है तो उसकी वजह से भी आपको काफी स्पेशियस फील आती है और तीसरी चीज ये कि यहाँ पर आपके पास विंडोज काफी बड़ी हैं और क्वार्टर पैनल्स भी हैं तो जिसकी वजह से आप इस गाड़ी की बैक साइड पर बैठकर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे उसके अलावा बैक साइड पर ये जो सीट्स हैं बकेट टाइप नहीं है तकरीबन काइंड ऑफ फ्लैट सीट आपको मिलती है और दरमियान में हमारे पास एक मैसेब किस्म की आम रेस्ट है अगर आप इसको अनफोल्ड कर लेते हैं तो फिर इस तरीके से ये आपके पास आम रेस्ट आ जाती है और आप कंफर्टेबल तरीके से लंबा सफर इस गाड़ी के अंदर सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ आप कर सकते हैं तो इसको हम वापस फोल्ड कर लेते हैं और इसके ये जो रियर बेंच है ये फोल्डेबल uh, है तो अगर आपने इनको फोल्ड करना है तो सिंपल आप इस लैच को इस तरीके से यहाँ पर दिए गए लैच को आप प्रेस करेंगे तो ये बेंच आपका कम्पलीटली फोल्ड हो जाएगा और आपके पास बूट स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी अगर आपने ज्यादा लगेज कैरी करना है तो आप इसको एज अ कार्गो वैन भी यूज कर सकते हैं और इसमें क्योंकि सिक्सटी फोर्टी का स्प्लिट भी है तो आप चाहें तो दोनों बेंचेस को फोल्ड कर लीजिए या आप एक को कर लें आपकी अपनी मर्जी उसके अलावा ऊपर आपको यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं दो लाइट्स आपको मिलती हैं एक ये वाली तो मेन लाइट के साथ कनेक्टेड होती है या डोर्स के साथ होती है और पीछे आपको एक और एक्स्ट्रा लाइट भी मिल जाती है इसके साथ साथ आ, अगर मैं डोर्स की बात करता चलू तो रियर डोर्स के ऊपर भी आपको वुडन का कॉम्बिनेशन मिलता है जैसा कि इसके फ्रंट डोर्स के ऊपर है इसके डैशबोर्ड के ऊपर है और बैक साइड पर इसमें आपको दो स्पीकर मिल जाते हैं एक और चीज मैं आपको बताऊँ कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर मेमोरी सीट्स नहीं है बट एक्चुअली ये गाड़ी आपको मेमोरी सीट्स ऑफर करती है तो वहाँ नीचे आपको जहाँ सीट्स की एडजस्टमेंट के लिए आपको बटन मिलते हैं वहाँ पर आपको इसकी मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है तो आप इसको मेमोरी के साथ भी सिंक कर सकते हैं तो जो भी ड्राइवर इसको चलाएगा वो जस्ट अपनी सेटिंग वाला बटन प्रेस कर ले और सीट और इसका स्टीयरिंग व्हील उसी सेटिंग के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीटली एक्सटीरियर और इंटीरियर और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करता चलूँ तो ये गाड़ी है BMW X5 2009 मॉडल 480i ऑल व्हील ड्राइव और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है एक करोड़ दस लाख रुपए और ये अवेलेबल है यहाँ सेगल मोड स्पोर्ट्स पर अच्छा गाइस ये है आपके सामने इसका 4.8 लीटर V8 इंजन जो कि तकरीबन साढ़े तीन सौ हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है नॉर्मली आपने लैंड क्रूजर का भी इंजन अगर देखा हो जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ बट इस गाड़ी का इंजन भी बहुत खूबसूरत है काफी कॉम्पैक्ट किस्म का है लेकिन ये जो इसकी एयर इनटेक के ऊपर से डिजाइनिंग हुई हुई है ये इस तरह से लगता है कि कोई स्पेस शिप का इंजन होता है ये बड़ी खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर से डिजाइनिंग की हुई है और यहाँ पर आपको विजिबल किस्म का वी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और ये इंजन एक पूरा का पूरा बीस्ट है जो कि इस गाड़ी को भगाने के लिए मेरे ख्याल से काफी है और ये तकरीबन 350 हंड्रेड एंड फिफ्टी हॉर्स पावर्स और रफली 400 प्लस एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ये इंजन आपको स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है सो so, ये था इसका कम्पलीटली इंजन उसके अलावा आपको हुड के ऊपर प्रॉपर इंसॉलेशन मिल जाती है बैक वॉल पर इंसॉलेशन है और इसमें स्टेबिलिटी बार्स भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे जो कि बाहिर आपको नजर नहीं आ रहे होंगे लेकिन ये जो इसकी बैक वाली ये प्लास्टिक कवर है इसके बिल्कुल नीचे मौजूद है इस तरफ भी और उस तरफ भी तो ये इस गाड़ी को हाई स्पीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्टेबल बना देते हैं सो so, इसको हम क्लोज कर लेते हैं सो so ये था आज का रिव्यू बी एमडब नाइन मॉडल का सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और अगर इसको खरीदना चाहें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है एक करोड़ दस लाख रुपए और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये एस यू वी कैसी लगी आपको और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है असला